जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, वो एक इंट्रो था। उसमें कोई भी यूट्यूब चैनल का लोगो एंड टैक्स ऐड नहीं था, लेकिन वह कॉपीराइट फ्री था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने यूट्यूब चैनल का लोगो एंड टैक्स ऐड करके एक कॉपीराइट फ्री इंट्रो कैसे बना सकते हैं। उसको आप प्रोफेशनल इंट्रो भी कह सकते हैं, जिसमें कि अगर आप उसको अपनी वीडियो में एडिट करके यूट्यूब पर पब्लिश करोगे तो आपको कभी भी कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि इसको मैंने प्रैक्टिकली यूज करके देखा है। मैंने इसको अपनी वीडियो में एडिट करके यूट्यूब पर पब्लिश कर दिया था, लेकिन मेरी वीडियो में किसी में भी कॉपीराइट नहीं आया है। आज की इस वीडियो में आपको इसी तरीके का इंट्रो बनाना बताऊंगा, कैसे आप अपने मोबाइल से काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज करके बना सकते हैं। तो इससे पहले आप इस इंट्रो को देख लीजिएगा, इस तरीके से इंट्रो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने YouTube में आना होगा, क्योंकि आपको ये इंट्रो वीडियो बिना किसी कॉपीराइट के डाउनलोड करनी है, जिससे कि आपके वीडियो पर कॉपीराइट ना आए। तो इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको अपने YouTube एप्लीकेशन को करना होगा ओपन। उसके बाद से सर्च में लिखना होगा इंट्रो विदाउट टेक्स्ट, इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर लिखा है इंट्रो विदाउट टेक्स्ट। अब क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, तो आपको इस पर करना है क्लिक। अब यहाँ पर तो ऊपर ड्यूरेशन दी हुई रहती है, ठीक है, और नीचे है यहाँ पर फीचर। आपको फीचर में आना है और यहाँ पर लिखा होगा क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स पर आपको करना है क्लिक। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके सामने वीडियोस आएंगी वो सभी कॉपीराइट फ्री होगी, जिनसे कि आपकी वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आएगा। आप इनमें से किसी भी वीडियोस को यूज कर लीजिए, आपकी वीडियो पर कॉपीराइट आने वाला नहीं है। तो अब क्या करना होगा, मुझको ये वाले वीडियो को वो इंट्रो बनाना है। तो इंट्रो विदाउट टैक्स फ्री डाउनलोड नो कॉपीराइट एवरीथिंग हेयर, आपको इस वीडियो को करना है ओपन। तो आपको इसी वीडियो को कर लेना है ओपन। ये वीडियो है तो इसमें सभी तरह के इंट्रो दी गई हैं। अब आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, थोड़े नीचे को स्क्रॉल करोगे। अब एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे कैसे आपको कहाँ पर जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नीचे को इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर लाइसेंस की बात आती है, लाइसेंस पर आप देख लीजिए क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज्ड अलाउ। आप इसको डाउनलोड करके यूट्यूब पर दोबारा पब्लिश कर दीजिए, ये उसके लिए अलाउ है। यानी कि ये कॉपीराइट फ्री वीडियो है, कॉपीराइट फ्री वीडियो यानी कि नो कॉपीराइट। इस पर आप यूट्यूब पर पब्लिश कर दीजिएगा, आपको कोई भी कॉपीराइट आने वाला नहीं है। तो अब क्या होगा, मैं इससे आपको इंट्रो बना कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, काइनमास्टर। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना होगा। आपको डायरेक्टली यूट्यूब से डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि आप जो भी डाउनलोड कर लोगे तो फिर वो आपके यूट्यूब एप्लीकेशन में ही रहेगा, आपकी गैलरी में नहीं आ सकता। आपकी गैलरी में आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, उस वीडियो पर आपको जाना है और उस वीडियो में देखकर आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये यूट्यूब पर अलाउ नहीं है इस तरीके से का वीडियो बनाना कि किसी अदर एप्लीकेशन से हम डाउनलोड करवा के आपको बताएं। तो यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, इसके खिलाफ हम वीडियोस नहीं बना सकते। इसकी वजह से हमें उसके रूल्स का पालन करना होगा यूट्यूब का, इसलिए हमने उस पर वीडियो नहीं बनाया है। तो आप उसको डाउनलोड कर लेना है, आपको पता ही होगा कौन सी एप्लीकेशन में डाउनलोड किया जाता है। आपको वहाँ पर भी यही चीज़ लिखनी है, सेम आप यहाँ से देख लीजिए, ये वाला टाइटल डाल लेना है। उसके बाद से क्या होगा कि आपके इनमें से कोई टाइटल डाल दोगे तो वहाँ पर वो वाला वीडियो निकल आएगा। तो आपको इसी तरह का इंट्रो दीजिएगा, इस तरीके का आपको इंट्रो डाउनलोड कर लेना है। थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके का प्रोफेशनल इंट्रो बन जाएगा। उसके बाद से मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा पहले, उसके बाद से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस, ये वीडियो डाउनलोड हो चुका है। इसके लिए मैं अपनी फाइल्स में जाऊँगा और इसको डाउनलोड के ऑप्शन में देखूँगा। यहाँ पर भी मेरे ये डाउनलोड हुए हैं, वीडियो उसमें गए और यहाँ पर हमारा डाउनलोड वाला वीडियो होगा, उस वीडियो को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखते हैं कि वह वीडियो कहाँ पर आएगा। तो भाई इसमें नहीं है, ये हमको मिलेगा डाउनलोड के ऑप्शन में। तो यहाँ पर डाउनलोड और ये फोल्डर सब कुछ डाउनलोड का ही फोल्डर है, लेकिन इसमें भी नहीं है। तो हम इसको अभी ढूंढते हैं। इसके लिए आपको अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ से ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है।
16 नंबर 9 की रेजुलेशन यहाँ सेलेक्ट करनी है रेशियो। उसके बाद से क्या होगा कि इस तरीके से खुल जाएगी अपने मीडिया। आपको यहाँ पर अपने जो आपने इंट्रो डाउनलोड किया था यूट्यूब से देखकर और किसी अदर एप्लीकेशन से डाउनलोड किया था, उसको आपको इसमें करना है कैनमास्टर में ओपन। तो मेरा डाउनलोड के फोल्डर में आ गया है, इसमें हम इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट। उसके बाद से वीडियो बैठता है 3 मिनट 36 सेकेंड। तो अब क्या करना होगा, हमको जो इंट्रो चाहिए आप इनमें से किसी का भी बना सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट टैक्स के है। तो आपको जो भी पसंद आए आप बना सकते हैं अगर आपको नॉलेज हो तो, अन्यथा मैं आपको इस इंट्रो को बनाकर दिखाऊंगा। इसके लिए यहाँ पर हम कैंची के आइकन पर क्लिक करना होगा, जहाँ से भी हमें पार्ट को काटना है। उसके बाद से यहाँ पर है आपको जिधर साइड का भी काटना है, जिस भी साइड का काटना है आपके लिए उसी साइड का यहाँ पर ट्रिम टू लाइट है लाइट ऑफ प्लेहेड करना है। यानी कि जैसे मुझे राइट साइड से जो है आपका इंट्रो है मुझको काटना है, तो राइट साइड से मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे लेफ्ट साइड का इंट्रो काटना है क्योंकि मैं इसी इंट्रो का यूज करूँगा। तो यहाँ से कैंची के आइकन पर क्लिक किया, ट्रिम टू लेफ्ट हेड ऑफ प्ले हेड लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, तो मैंने इतना काट लिया। अब क्या करूँगा, थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा क्योंकि यहाँ तक ये प्ले हो रहा है। अपने इंट्रो के शुरुआत तक मुझे काटना है, तो भाई यहाँ पर मैं कसको काट लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा थोड़े करके आप काट सकते हैं, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो भाई इंट्रो यहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं से आपको काट लेना है। इंट्रो यहाँ से आरंभ होता है, यहाँ तक हमने काट लिया। अब यहाँ से हम लास्ट तक का काटेंगे, तो भाई यहाँ पर ये रुक जाता है यहाँ तक। तो भाई ये बेस्ट है इसकी कंडीशन, यहाँ तक हमने काट लिया। अब क्या करेंगे, ये किसी बिना विदाउट टैक्स के है, तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा इसे चला के प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का है और ये किस तरीके का बदलता। ने देखा किस तरीके का इंट्रो है, और आप इसको हम बनाएंगे, थोड़े इसको स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको कुछ स्थिति तक आपको यहाँ पर इसको रोक देना है। आपके इंट्रो की ये स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर आपके चैनल का जो लोगो है आपको यहाँ पर डालना है, तो इसके लिए यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। उसके वो है, तो गाइस यहाँ पर हमारा लोगो कहाँ है, हम यहाँ से उठा लेते हैं। इसके लिए गाइज आपको न्यू लेयर में जाना है, और लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है, और यहाँ से अपने चैनल के लोगों को ले लेना है। तो हमारे चैनल का लोगो यहाँ भी है, मैं वहाँ से ले लेता हूँ। सो गाइज यहाँ से मैंने अपने चैनल का लोगो जो है ले लिया है। उसके बाद इसको नीचे को स्क्रॉल करता जाऊँगा, उसके बाद देख लूँगा यहाँ से फिट बैठाना है मुझे। तो गाइज मैंने इस तरीके से यहाँ पर रख दिया, तो गाइज मुझे यहाँ पर रख दिया है मैंने। तो यहाँ पर पहले मुझे इसको फिट बना लेना है इसके साइज में। सो गाइज ये मेरे दिमाग से बिल्कुल फिट है, तो यहाँ पर मैं इसको फिट ही रखता हूँ, क्योंकि हमें फिट ही रखना पड़ेगा यहाँ पर, तब ये बढ़िया लगेगा। इस तरीके से रख लिया। अब बात आती है एनिमेशन, इन एनिमेशन जब ये इसमें खुलेगा तब कौन सा एनिमेशन आना चाहिए। तो गाइज इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, तो आपको किस तरीके का चाहिए। सो गाइस यहाँ पर आपको देख लेना है, लेकिन मेरे दिमाग से सबसे बढ़िया है फेड वाला, फेड वाला या पॉप वाला, पॉप बढ़िया है, आप पॉप को रखिए। सो गाइस अब यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे, तो गाइस यहाँ से हमको अभी आगे को उसको बढ़ाना होगा, इसकी जो ट्रिम लाइन है इसको हमें आगे बढ़ाना होगा, टाइम लाइन को इस तरीके से आगे तक बढ़ाना है। तो गाइस यहाँ तक बिल्कुल फिट है, अब हम इसको ओपन करके देखेंगे। तो भाई मैंने इसको कर दिया ऑन, तो इस इंट्रो को देख लीजिए, देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है, प्रोफेशनल इंट्रो। अब क्या है कि मैं साइड में इसको काटूंगा, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। अब क्या करूंगा, मैंने साइड तक काट लिया इसको, मेरा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। सो गाइस अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर हमें अपनी जो है टेक्स्ट को करना होगा ऐड। तो यहाँ पर लेयर पर करना है क्लिक और टेक्स्ट में जाना है, और आपको यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल दे रहा है, जैसे कि RS, हमारे चैनल का नाम है RS टीच, तो आपको डाल देना है, ओके करना है। ओके करने के बाद इसको बड़ा करना है, उसके बाद से जैसे जैसे हम बताए इस प्रोसेस को करना है फॉलो,
तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ कलर का ऑप्शन है, तो आपको एक ऑप्शन में आना है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी भाषा मिल जाएंगे, यहाँ पर अपने आप से भाषा सिलेक्ट कर लीजिए, फ़ॉन्ट जिसे कहते हैं, आप यहाँ से फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर लेटिन है और एंड्रॉयड है, तो आपको यहाँ पर ये वाला कर लेना है सिलेक्ट, ये वाला रोबोटो ब्लैक आप चाहे वो कर सकते हैं, मैंने तो रोबोटो ब्लैक कर लिया है, तो ये सबसे बेस्ट है, बोल्ड है। और यहाँ पर उसके बाद से कलर की बात आई, आपको कलर के डिब्बे पर करना है क्लिक, और यहाँ से अपना एक बेस्ट कलर चुन लेना है जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर इसको चुन लेता हूँ, मेरे लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा, ये मैंने चुन लिया। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लें, वो आपकी इच्छा रहेगी कि आप कैसा चुनेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर कर लिया इसको एंटर, आप चाहें तो यहाँ पर इसको भी एनिमेशन दे सकते हैं। तो गाइस इसको किस तरीके का एनिमेशन दोगे वो आपकी इच्छा रहेगी, स्केल अप। तो गाइस इसको हमें स्केल अप का इस तरीके का यहाँ पर एंटर दे देते हैं, लेटर बाई लेटर। तो भाई ये दे दिया है हमने, तो भाई यहाँ पर हमारा गलत एनिमेशन चलेगा, हमें यहाँ पर देना था लेटर बाई लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने दे दिया लास्ट तक, तो इसको थोड़ा सा काट लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे इसको दोबारा से ओपन करेंगे, आप देंगे इसको आउट एनिमेशन, जब ये कटेगा इंट्रो तब कौन सा किस तरीके से आउट हो, ये आपका दिए गया टेक्स किधर को आउट हो, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना होता है। इस तरीके से मैंने कर लिया, अब इसको दोबारा से प्ले करके देखेंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पर प्ले होता है। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर प्ले हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब एक बार आपको दिखा देते हैं, आप अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए हमने इस तरीके का इंट्रो बनाया है, थोड़ी जल्दी में बनाया है, अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर टेक्स्ट नहीं सेट किया है। आप यहाँ पर अच्छे तरीके से टेक्स्ट वगैरह सब कुछ और कलर सेट करके यहाँ पर एडिट कर लें। अब इंट्रो करता हूँ प्ले, क्योंकि हम वीडियो ही बना रहे हैं, क्योंकि हमें सब काम जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो इंट्रो है थोड़ा ख़राब भी बन सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप अपने यहाँ पर अच्छा खासा बनाइए, अच्छा बनाइए। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जिसमें खास अगर आपके काइन मास्टर में जो उसे कहते हैं वाटर मार्क, अगर आपके काइन मास्टर में वाटर मार्क आ रहा है तो क्या होगा कि आपका इंट्रो बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, उससे सभी को पता पड़ेगा किससे बना है। इस तरीके का आप इंट्रो मत लगाइएगा, यहाँ पर वाटर मार्क जो आता है आप बिना वाटर मार्क के काइन मास्टर का यूज कीजिए, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाता है बिना किसी वाटर मार्क के काइन मास्टर, जिस पर काइन मास्टर लिखा नहीं आता है। उसके लिए एक वीडियो बनाया है मैंने, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में और वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बिना किसी काइन मास्टर के लोगों के यहाँ पर वीडियो को कर सकते हैं इम्पोर्ट, तो इसके लिए आपको अभी हमारा लोगो बन गया, इसकी आपने देख ही लिया किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप इसकी आवाज़ को एडजस्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम आवाज़ को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपको करना होगा इस पर क्लिक। तो भाई आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लेनी है इसकी HD 720 पिक्सल और यहाँ पर 24 नेवा और यहाँ पर फ्रेम रेट और जो रेट चुन लिया है मैंने बिट रेट वगैरह, तो यहाँ पर ही मैंने कर लिया एक्सपोर्ट पर क्लिक, ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो भाई इसमें एक्सपोर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री इंट्रो बन चुका है। अब आप इसको यूट्यूब वीडियो को एडिट में एडिट करते हुए लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसको यूट्यूब पर पब्लिश भी कर सकते हैं, कभी भी कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इसको मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ये एक तरीका था किस तरीके से आप एक इंट्रो बना सकते हैं, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जल्दी ओपन करनी होगी, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट होता है वो लोकेशन सेट करनी होगी। गाइस एक्सपोर्ट हो चुका है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इसको। देखिएगा गाइस कितना बढ़िया लग रहा है। सो आप इस तरीके से यहाँ पर एक इंट्रो बना सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के साथ, एकदम बेस्ट इंट्रो जो कि प्रोफेशनल देखने में भी लगेगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए। आज की वीडियो में हमने आपको बताया किस तरीके से आप इंट्रो बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहे हमारे चैनल पर डेली। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।